हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप हमारे चैनल न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम जा रहे हैं फरीदाबाद की सबसे बड़ी मूर्ति, 108 फुट की मूर्ति देखने। और अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं तो दिल्ली से आपको आने के लिए नेशनल हाईवे दिल्ली मथुरा हाईवे आप इसको पकड़ सकते हैं। और इसके लिए यहाँ से कम ये रास्ता जो है 25 किलोमीटर हमारी डेस्टिनेशन से दूर है। और रास्ते में देखिए कितना खतरनाक एक्सीडेंट हो रखा है। आई होप किसी को कोई चोट ना लगी हो। बहुत से लोग हैं रात को ट्रक वगैरह चलाते हैं, नशा करके चलाते हैं या ड्रिंक करके चलाते हैं या किसी दूसरे की गलती के कारण भी एक्सीडेंट हो जाता है। पर थोड़ा सेफली हमें ड्राइव करना चाहिए, हमें सोच समझ के ड्राइव करना चाहिए। पता नहीं कौन किसी को चोट ना लगी हो। बस आई होप ये आप इस रास्ते में जाएंगे तो पहला मेट्रो स्टेशन जो आएगा NHPC मेट्रो स्टेशन आएगा। यहाँ से करीब सीधा सीधा रास्ता है, ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा रास्ता नहीं है। आपको रास्ते में मैं बताता रहूँगा कहाँ से क्या टर्न लेना है। और रास्ते में बहुत से चीज़ें जो पॉइंट्स वगैरह मैं आपको बताता रहूँगा। और अगर आप हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि अभी और भी कंटेंट है जो आने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो टर्न आ रहा है ये ओल्ड फरीदाबाद का टर्न है। हमें यहाँ से राइट टर्न लेना है। और आज सिग्नल थोड़ा ऑफ ही हो रखा है और दिन में तो यहाँ इतना ट्रैफिक रहता है कि मतलब भीड़ लग जाती है। और बारिशों के टाइम में तो यहाँ पर बाढ़ आ जाती है, निकलना तो नामुमकिन ही होता है। यहाँ से हम बिल्कुल सीधा सीधा चलेंगे, करीब 2 किलोमीटर और सीधा चलेंगे आगे जाके, और भी टर्न्स आएंगे। हमें यहाँ से जो पकड़ना है रास्ता गुड़गांव के लिए पकड़ना है। ये मेरे लेफ्ट में एक और हनुमान जी का मंदिर है, जय श्री राम। यहाँ से चौराहा आया है, हमें यहाँ से गुड़गांव फरीदाबाद गुड़गांव रोड बनाया है नया, वो रास्ता पकड़ना है। यहाँ से टर्न अबाउट से स्ट्रेट जाएंगे हम। ये यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट जाएंगे। देखिए सामने कोई गाड़ी वाला है, मैंने देखा था, ये देखे ब्लैक कलर की गाड़ी है। बहुत से लोग होते हैं रॉन्ग साइड लेके आते हैं जल्दीबाजी के चक्कर में, सोचते हैं जल्दी पहुंच जाएंगे, पर ये बहुत रिस्की रहता है। ये फ्रेंड्स रास्ता आ गया हमारा फरीदाबाद गुड़गांव रोड। अगर आप कभी दिल करता है आपका कभी कि मतलब प्लान नहीं बन पा रहा लॉन्ग रूट पहाड़ों पर जाने का, हरियाली देखने का, इस रूट पर आ जाइए, आपको सारी हरियाली हरियाली दिखेगी। आपको ऐसा लगेगा नहीं कि आप किसी स्टेट में, ऐसे स्टेट में जहाँ पहाड़ वगैरह नहीं है, सारी हरियाली हरियाली है। और थोड़ा आगे जाओगे तो आपको यहाँ पे पहाड़ वगैरह भी दिखेंगे, पर हमारे इस रास्ते में अभी थोड़ा पहाड़ नहीं दिखेंगे, पर हरियाली बहुत अच्छी है, ऑक्सीजन लेवल बहुत अच्छा है, शांति है। कभी मन करे तो पहाड़ों को जैसा देखने के लिए आप आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम अपनी डेस्टिनेशन पे ऑलमोस्ट पहुँच ही चुके हैं। आपको देखिए सामने हनुमान जी की, त्रिवेणी हनुमान जी की मूर्ति दिख रही होगी। तो बस हम अपनी डेस्टिनेशन पे अब पहुंच ही गए हैं। अप्रोक्स मुझे यहाँ पहुंचने में, मैं तो भरतपुर से आया था, अप्रोक्स मुझे पहुंचने में कम से कम 40 मिनट लगे, क्योंकि सुबह ट्रैफिक भी कम था तो रास्ता साफ साफ था। चलो पहुंचते हैं अपनी डेस्टिनेशन पे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय व्लॉग। आज हम आए हैं फरीदाबाद में हनुमान जी की 108 फुट की मूर्ति देखने के लिए। तो हम वहाँ पे डेस्टिनेशन पे पहुँच चुके हैं और हम आपको दिखाते हैं चल के अंदर का हमारा जो है हनुमान जी की मूर्ति का। बहुत गर्मी है, गर्मी में बहुत बुरा हाल हो रहा है। चलो आओ अंदर चलते हैं और हनुमान जी की मूर्ति को देखते हैं। यहाँ से व्यू देखने वाला पूरा,
पूरा फरीदाबाद दिखता है यहाँ से। ये देखिए हनुमान जी का गदा, ये लिखा हुआ है मातृ राम मूर्तिकार, मातुराम मूर्तिकार जिसने ये मूर्ति बनाई है उसका नाम लिखा हुआ है मातुराम मूर्तिकार। तो मूर्ति फ्रेंड्स इतनी बड़ी है कि फ्रेम में भी नहीं आ रही है। मूर्ति के बैक साइड है पूरा हरियाली से भरा हुआ। मेन रोड पर ही है ये पूरी मूर्ति जो है, आपको आने में ही बहुत आसानी होगी। फरीदाबाद में त्रिवेणी हनुमान जी की मूर्ति के नाम से है ये, त्रिवेणी हनुमान मूर्ति। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ से मूर्ति का नज़ारा जो है दूर से देखने बहुत अच्छा लग रहा है। पास से तो क्या था कैमरे के फ्रेम में आ नहीं रही थी, हमने दूर से इसको कैप्चर किया है। तो प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।